चुके हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह डीजे सार्जन प्रोडक्शन फ्रॉम झारखंड। तो चलिए सुनते हैं धमाकेदार साउंड टेस्टिंग। ये डीजे नहीं चलने वाला है, नहीं चल रहा है, बंद करो। डीजे नहीं चलेगा, देखा हम अपना बार बार एम्पलीफायर को रिक्स नहीं ले सकते। अभी मेला शुरू भी नहीं हुआ है और अगर हम पहले अपना सामान को नुकसान कर ले तो ऐसे नहीं होगा। आपका टेस्टिंग के चक्कर में हम अपना एम्पलीफायर को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ये डीजे नहीं चलेगा, ये तीन दिन से मैं ट्राई कर चुका हूँ, ये नहीं चलेगा, आप चेंज कीजिए। मैं चलो बंद करो। सो फाइनली दोस्तों, फिर से सर्जन भी अपना टेस्टिंग करने वाले हैं। अभी भी बज रहे, एक बज रहे हैं दिन का और इस टाइम अभी तो उतना क्राउड है नहीं, और एक मोबाइल से मेरा लाइव चल रहा है। अभी लाइव चलने के बाद बहुत सारा क्राउड होने वाला है, तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक दिखाने वाले हैं पूरा अच्छी तरीके से डीजी किस तरह से स्टार्ट होती है, किस तरह से नहीं, सब चीज़। और अभी देख सकते हैं अभी उतना भीड़ नहीं है, ठीक है, शायद से रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से डीजी को चेक किया जा रहा है क्योंकि डीजी रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी और अभी भी प्रॉब्लम कर रही है, डीजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसी वजह से। बाकी हम भी चलते हैं उस साइड, बंदे लोग उस पार से इधर चला रहे हैं, इसी वजह से उधर घेराव लगा दिए हैं। और देखिए क्या होता है, आगे बने रहिए। और ये लोग तो डीजी नहीं चल रही है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर रख दिए हैं, बट ऐसे कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर सार्जन भी है बताते हुए ऊपर में महेश भैया लोग को, और कृपाल तो हालांकि हटा दिए हैं। इस बार लग रहा है कि पूरा कंट्रोल से बजने वाला है क्योंकि देख रहे हैं सबको अपने सेपरेट के साथ उस पार चल गए हैं, इस पार कोई भी नहीं है। और ये जो लाइट है दोस्तों, ये लाइट पहले आप लोग देखिए, एकदम न्यू लाइट है जो एकदम न्यू आया हुआ है, मस्त लग रहा है दोस्तों। और इस बार का जो आप लोग डिस्प्ले वाला जो देखे थे सार्जन भैया का वीडियो में, वो डिस्प्ले वाला लग गया यहाँ पर ही, तो आप लोग सोच रहे थे कि टीवी देखने के लिए लेके आया, वैसा कुछ भी नहीं, वहाँ पर लगाने के लिए। और ये वाला जो है ना दोस्तों, ये वाला लाइट गजब का लग रहा है। बाकी इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, बने रहिए। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को इस जगह से शुरू कर दें, एंड अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करने दीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को पूरा सब चीज़ चेक करके दिखाने वाले हैं, बाकी देखिए क्या क्या चेक होता है इस टाइम। और अभी तो उतना क्राउड है नहीं, सबके भैया लोग यहाँ पर लाइव कर रहे हो, लाइव करते करते अभी भीड़ तो हालांकि बढ़ ही जाएगा। उधर से देख रहे हैं इस बार सब कोई कंट्रोल पे है, रोड के उस पार है, इधर साइड से उतना दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन देखिए कुछ भी हो सकता है अभी, कुछ हम अपना तरफ सब कंफर्म नहीं है कि उस पार से इस पार नहीं आने वाले हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। और इधर से दोस्तों डीजी को चालू किया जा रहा है, और ये वही डीजी है दोस्तों, अभी तक डीजी को चेंज नहीं किया गया है, देखिए कब तक चेंज होंगे। बाकी तो हमको तो लग रहा कि डीजी में प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से चेंज नहीं किया गया है। अभी मिस्त्री भाई आए हुए हैं, अभी अपना डीजी को चेक करेंगे, अच्छा से खुल के बजाएंगे सार्जन भैया, कि इनको भी दिखा देंगे कि डीजी में आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि जो चीज़ बनने के बाद उस चीज़ के ट्राई तो फिर से करने वाले हैं, क्योंकि ये रोड तो छोटा मोटा रोड तो नहीं है दोस्तों, कंटिन्यू चलने वाला है। और बीच रास्ते में डीजी भगवान करे ना बंद हो, अगर बंद हो जाता तो उसमें तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, इसी वजह से पूरा सार्जन भी अपना सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। हो सकता तो एक्स्ट्रा भी डीजी लेके आने वाले हैं, लेकिन ये वाला डीजी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, तो इसीलिए इसी डीजी को फिर से अभी रिपेयर किया जा रहा है, जो कि मिस्त्री भाई सब आए हुए हैं। और वहाँ पर देखिए कब तक ये रेडी होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, खाना खाया, खा लिया, चलिए दोस्तों फाइनली अभी डीजे चालू हो चुका है। और इधर से धीरे धीरे काफ़ी भीड़ बढ़ते जा रहा है, बाकी रितेश भैया आप बताइए कि यहाँ का माहौल किस तरह का है। बहुत बढ़िया, यहाँ माहौल इतना ज़बरदस्त है ना, हम लोग का हालत ख़राब है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, और इतना गर्मी में मोबाइल पकड़ के खाना पीना का ठिकाना नहीं, कब खा रहे कब नहीं, क्योंकि
कंटेंट ही वैसे है ना, तब कौन सा कंटेंट आ जाए, खाना पीना का कोई ठिकाना नहीं है। और मेरा तो तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए हम रूम लेके रह रहे हैं। और सुमित भाई लोग तो जैसे हम रहते हैं वैसे ही वाला ज़िंदगी जी रहे, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कितना भयंकर 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 मैंने फील हो रहा है हम लोग को, उसका कोई आइडिया नहीं है आपको। लेकिन आप लोग के लिए हम लोग इतना दूर आए हैं तो दिखाएंगे ज़रूर। और मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। थोड़ा सा मेहनत है, 10 दिन मेहनत करेंगे, 50 दिन खुशी खुशी और कटेगा। इसके बाद हम लोग कपिल फिर हम लोग का झारखंड में बहुत सारा है, उधर भी कैप्चर करेंगे, और भी कहीं होगा उधर भी जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा बारिश नहीं हो रहा ना, इसलिए आग पार्टी टाइप से लग रहा है। एक बार बारिश हो जाएगा तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, बाकी देखिए अभी फिर से डीजी को ऑफ करके फिर ऑन किया गया है, क्योंकि अभी भी डीजी प्रॉब्लम दे रहा है दोस्तों। और देखिए कितना टाइम लगता है टेस्टिंग होने में, बाकी उस हिसाब से आप लोग को दिखाते रहेंगे। कल का जिस तरह का भीड़ था दोस्तों, नीचे में वीडियो लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं, एक घर था जो कि आप लोग लाइव में देखे होंगे, उसके ऊपर जा रहे हैं और उसके ऊपर जाके आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। चलिए देखिए क्या होता है आगे। और सेटअप पूरा ऑन हो गया है, बहुत हैवी गर्मी है। मजा आ रहा है, पसीना भीग रहा है तो सब आएगा अभी। बस वाला के लिए थोड़ा साउंड कम करिए दोस्तों, नहीं तो उसका जो कांच है सब कांच उसका चूर हो जाएगा उसका। देख सकते हैं फिर से कितना ज्यादा जाम लग गया दोस्तों, रोड से थोड़ा सा साइड हो जाइए तभी टेस्टिंग कर पाएंगे। ज्यादातर टेस्टिंग नहीं होता है भैया लोग, रोड थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ए सरवन, और इधर से देख रहे दोस्तों कितना ज्यादा जाम लग गया है, इसीलिए जल्दी टेस्टिंग नहीं होता है। टेस्टिंग यहाँ पे नहीं होता, बात सही है। नहीं 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 गिरेंगे नहीं भाई, देख रहे पूरा नीचे आ गए हैं, पूरा नीचे देखिए। भाई बहुत ज्यादा देर से भाई, बहुत गजब का बेस मार रहा है ये पूरा हॉस्पिटल पूरा हिल रहा है दोस्तों। Thank you.
भाई ये डीजी चलने वाला नहीं है, आपको सच बता रहा हूँ मैं, ये डीजी नहीं चलने वाला है, नहीं चल रहा है। अब डीजी चेंज होगा, चलो बंद करो, अब डीजी चेंज होगा तो डीजी नहीं चलेगा। देखा, हाँ अपना बार बार एम्पलीफायर को रिस्क नहीं ले सकते, अभी मेला शुरू भी नहीं हुआ है, और अगर हम पहले अपना सामान को नुकसान कर ले तो ऐसे नहीं होगा। आपका टेस्टिंग के चक्कर में हम अपना एम्पलीफायर को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, ये डीजी नहीं चलेगा। ये तीन दिन से मैं ट्राई कर चुका हूँ, ये नहीं चलेगा, आप चेंज कीजिए। चलो बंद करो, ये फाइनल है, तीन मिस्त्री चेंज कर चुका है, ये डीजी नहीं चलेगा, आप चेंज कीजिए इसको। चलिए ये सिर्फ टेस्टिंग जो है दोस्तों, सिर्फ डीजी को चेक करने के लिए किया गया था, ठीक है। डीजी वाले आ रहे, मिस्त्री लोग आ रहे, बना रहे हैं, और आप चलेगा लेकिन चल नहीं रहा है, और इतना झूठ मूठ सिर्फ क्राउड हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ये डीजे वाला आके खड़ा कर दिया इस जगह पर, चालू कर दिया डीजी अपना, ये तो गलत है ना। जब सार्जन डीजे ऑन था उस टाइम तो आगे नहीं खड़े थे, ये देखिए उधर क्या जो सर्जरी का कमेटी है वो ये डीजे लोग भगा रहे हैं, बोले आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब सार्जन भैया बंद कर दे तो उस टाइम आके खड़ा हो कि अपना सेटअप ऑन नहीं करना चाहिए था इनको, और ये भाई साहब अपना सेटअप ऑन कर दिया है। उधर क्राउड अभी भी देख सकते हो, उधर बाकी दोस्तों इस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, बाकी आप लोग अपना कमेंट करके राय बताइएगा आप लोग को वीडियो किस तरह का लगा, और इस तरह का अगर और भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि उसी हिसाब से मैं अपना काम करूँगा। और यहाँ पर इस डीजी को भैया लेके जा रहे हैं, यह डीजी चेंज होने वाला भैया, आप लोग देख ही लिए डीजी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। बाकी हर हर महादेव, आप सभी को आप सबका दिन शुभ हो और हम लोग का भी दिन शुभ हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से और एक न्यू वीडियो में, चलिए।